असल तो ये बटेर की यखनी है, सांस वालों के लिए, फालिज वालों के लिए, सीना जकड़ जाता है उसके लिए बहुत मुफीद है। माशाल्लाह रश तो इतना होता है कि हमसे संभलता नहीं है। बटेर की यखनी तो बहुत ज़बरदस्त है इनकी। और ये तो करंट सूप है ना, इसमें तो करंट आ जाता है आदमी को सर्दियों में। और अच्छा रिस्पॉन्स है, दूर दूर से लोग आते हैं। अपना खुद फार्म बनाया, प्रोडक्शन अपनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिफ भाई, आज मैं पहुंच चुका हूं बटेर के सूप की तरफ। आए इनसे चल के पूछते हैं ऐसा क्या डालते हैं ये बटेर के सूप में जो लोग दूर दूर से यहां चले आते हैं। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अकरम सर, कब से बना रहे हैं सूप ये? माशाल्लाह 24-25 साल से हम बना रहे हैं बटेर की यखनी और चिकन कॉर्न सूप। और अच्छा रिस्पॉन्स है, दूर दूर से लोग आते हैं। नहीं, सूप बहुत ज़बरदस्त है। हम तो काफ़ी अरसे से आ रहे हैं, 7-8 साल हो गए हम। बहुत मशहूर है हमारा बटेर की यखनी है, और बटेर होता है, बटेर के अंडे होते हैं, और पार्सल का भी इंतज़ाम है। बटेर कहाँ से लेते हैं आप? ये हमने अपना खुद फार्म बनाया, प्रोडक्शन अपनी है, इसलिए सस्ता दे रहे हैं, मुनासिब कीमत है। 100 रुपये का बटेर है, 40 रुपये की यखनी है, अंडे वाली 70 की यखनी है, बटेर के साथ 140 रुपये की है। अंडा ले लें, बटेर ले लें, और बटेर की यखनी ले लें। जो लोग शौकीन है बटेर की यखनी वगैरह पीने के, तो एक अच्छा नॉर्मल पैकेज में ये तीनों चीज़ें मिल जाती। सुबह से लग जाते हैं घर वाले, हाँ बच्चे काम कर रहे हैं, सुबह से लगे होते हैं, शाम को फिर हम यहाँ आ जाते हैं। टाइमिंग है इसकी 7 बजे से रात 3 बजे तक। और जी हाँ जी, माशाल्लाह रश तो इतना होता है कि हमसे संभलता नहीं है। और कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा बनाए, लोग दूर से आए पिए। बटेर के अलावा भी और कुछ होता है? जी हाँ, चिकन कॉर्न सूप भी होता है हमारे पास, ये भी मुनफरिद है। इसमें मकई डालते हैं हम लोग, ये दिख रहा है मकई आपको? जी हाँ, मकई वाला सूप होता है ये, यारा रोड वाला नहीं है। चिकन सूप, चिकन किसी ने बताया था आपको? हाँ किसी ने बताया, दोस्त ने बताया, यहाँ का सूप बहुत अच्छा है। दोनों खत्म हो जाते हैं? हाँ दोनों माशाल्लाह टिकट से बिकते हैं। टिकट से? और ये तो करंट सूप है ना, इसमें तो करंट आ जाता है आदमी को सर्दियों में। कौन से अगर पियेंगे तो क्या होगा? कौन तो एक मकई का है ना, वो तो कौन तो एक कॉमन सूप है जो रोज़ाना। ये असल तो ये बटेर की यखनी है, सांस वालों के लिए, फालिज वालों के लिए, सीना जकड़ जाता है उसके लिए बहुत मुफीद है। कितने का एक इसका प्याला जो है? सादा 40 रुपये का है, अंडे वाला 70 का है, बटेर के साथ 140 का है। एक बटेर होगा, एक यखनी होगी, अलग प्लेट में देते हैं चटनी वगैरह डाल के ताकि मज़ा आए। तो कौन कौन सी चटनी आती है? ग्रीन चटनी है, चिल्ली सॉस है। डिलीवरी करते हैं आप? नहीं डिलीवरी नहीं करते, फुर्सत ही नहीं मिलती है, डिलीवरी क्या करेंगे। और हमारी कोई ब्रांच नहीं है, फ़ोन भी करते हैं लोग, 3 बजे के बाद तो फ़ोन करना पड़ता है ना, है या नहीं है, तो ज़्यादातर नहीं होता है, 3-3:30 बजे एंड हो जाता है। लोग तो सुबह तक इंतज़ार करते हैं कि सूप हमारे को सुबह भी मिले। पैक करवा के लोग कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? यहाँ से तो हैदराबाद तक भी जाता है माशाल्लाह। अभी कल आया था, नूरियाबाद गया, नूरियाबाद ये अपना नया कौन सा बना ये बेरिया टाउन से भी लोग आते हैं। 35-40 दिन का होता है बटेर, जो जवान होता है वही हम लोग काटते हैं, वो 60 ग्राम का होता है। तो किसी से खरीदते नहीं है, कम नहीं पड़ते? नहीं नहीं नहीं, एक हिसाब है ना हमारा, 500-600 रोज़ चाहिए बस, उस हिसाब से प्रोडक्शन की हुई है ताकि परेशानी ना हो। किधर करते हैं पार्किंग? यही हाईवे की तरफ, मलीर गडाप टाउन। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर पिए, जिसने अभी तक नहीं पिए बटेर की यखनी, वो पापोश आके बटेर की यखनी ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर सर्दियों में कोई अच्छी जगह का उनका सूप पीने का मूड बन रहा है तो वो ये ज़रूर ट्राई करें। ये सब अपनी घर की है, सोया सॉस, सिरका, चिल्ली सॉस, ग्रीन सॉस, कम डालते हैं। सूप अच्छा है ना, चटनियों से क्या जायका आएगा, सूप अच्छा होना चाहिए। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं आपके पास? कराची का कोई कोना नहीं बचा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी आप पूछ लें जाके बोले बटेर की यखनी कहाँ मिलेगी, पापोश भेजेंगे। तो हम तो बहुत दूर से आते हैं, और रंगी टाउन से आते हैं, तकरीबन 15-20 मिनट बाइक राइड करके
स्पेशली हम जो है वो इनका सूप पीने आते हैं। इसका एड्रेस है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, रेलवे फाटक, नाजमाबाद, पापोस नगर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।